उदयपुर में हत्या। उदयपुर में हत्या पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया, क्या कुछ बोले हैं राहुल गांधी, आइए आपको बताते हैं। उदयपुर में हुई हत्या की सनसनीखेज घटना पर राहुल गांधी ने कहा है कि धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूं, धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है और मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि उदयपुर में घटी हिंसक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। धर्म के नाम पर नफरत, घृणा व हिंसा फैलाने वाले मंसूबे हमारे देश व समाज के लिए घातक हैं। हमें मिलकर शांति व अहिंसा के प्रयासों को मजबूत करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर में युवक की हत्या के दोनों आरोपियों को राजसम्मत से गिरफ्तार किया गया है और इस केस में अनुसंधान केस ऑफिसर स्कीम के तहत किया जाएगा एवं त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित कर अपराधियों को न्यायालय में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मैं पुनः सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।